Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our first chapter, that is rational number. आज हम पढ़ेंगे बच्चों rational number के बारे में. Rational number क्या होता है हम इसे जानते हैं. Rational number जानने से पहले बच्चों हम जानते हैं इसमें दो चीजें. एक rational एक number है. सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों types of number के बारे में. किसके बारे में जानेंगे? Types of number हमने कई बार पढ़ा है. 4th, 5th, 6th, 7th क्लास में हम types of number पढ़ते ही आए हैं. हमारे पास मेनली जो होते हैं वो कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के नंबर होते हैं. एक और होता है इरेशनल नंबर होता है, वो आप अभी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. हमारे पास जो मेनली 4 टाइप्स के कौन कौन से नंबर है, पहला आता है नेचुरल नंबर. क्या आता है बच्चों? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. वी कैन डिनोट नेचुरल नंबर बाय द कैपिटल एन एंड आफ्टर दैट होल नंबर. होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं. देन आफ्टर इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम किससे करते हैं? Z से या फिर I से. एंड आफ्टर दैट जो हमारा चैप्टर है, ओवरऑल चैप्टर, रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? Q से डिनोट करते हैं. Q इज द सिंबल ऑफ रैशनल नंबर. सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है. एक एक को हम क्या करेंगे, एक एक को ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा मैं और आप इसको ध्यान से सुनिए. नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. इट मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ये सारे कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर होंगे. एंड देन आफ्टर हमारा जो आता है वो आता है होल नंबर. होल नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों? जैसे कि इसमें पहला जो आ रहा है होल. होल का मतलब गोल, जिसमें जीरो इंक्लूडेड होता है. क्या होता है? जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर. 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. आपने देखा अभी आप इन दोनों नंबर्स में एक कॉमन चीज है. क्या कॉमन चीज है? जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, देखिए इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. There is also 1, 2, 3, 4 and so on. It means all the natural number are whole number. But all the whole number cannot be natural number. हो सकता है कोई whole number जो है वो natural number नहीं हो. But कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी natural number whole number नहीं हो. तो अगला हमारा जो आता है वो आता है integer. आपने 7th class के first chapter में integers के बारे में पढ़ाई होगा. इंटीजर्स को हम Z और I से डिनोट करते हैं. इंटीजर क्या होता है बच्चों? कि कोई भी वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव की हो, चाहे वो पॉजिटिव की हो, चाहे वो किसकी हो, नेगेटिव की हो, चाहे वो पॉजिटिव की हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स. अब आप देखिए ये इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं और इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं. ओके, इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं. ओके, देन आफ्टर हमारा जो फोर्थ टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो आता है रैशनल नंबर. अब हम जानेंगे रैशनल नंबर होता क्या है. रैशनल नंबर जिस नंबर को हम क्या कर सके, P by Q की फॉर्म में लिख सके, वेयर एक कंडीशन है Q नॉट इज इक्वल टू जीरो. क्या नहीं होना चाहिए? Q जीरो नहीं होना चाहिए. Q जीरो नहीं होना चाहिए. जब भी हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं बच्चों, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नहीं आता है, उसका आंसर इम्पॉसिबल आता है, आता ही नहीं है. ओके, तो हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सके. ओके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. यहां ये जो पी है और ये क्यू है, ये दोनों क्या होने चाहिए? बोथ आर द इंटीजर्स. क्या होने चाहिए? ओके, सारे के सारे क्या होने चाहिए बच्चों? ये इंटीजर्स होने चाहिए. और एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई, क्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है, क्यू कैन नॉट बी जीरो. ओके, तो आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं. 8, आप कहोगे सर इसके नीचे तो क्यू है ही नहीं. ओके, तो इसके नीचे क्या है बच्चों? 1 हाइड है. क्यों हाइड है? मैं किसी भी नंबर को या किसी भी डिजिट को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. दैट्स व्हाई 1 इज हाइड
ईच एंड एवरी नंबर। ओके आप देखिए नेक्स्ट जो है 2 क्या होगा माइनस 2 अपॉन 1 एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज माइनस 5 अपॉन 4। माइनस 5 अपॉन 4 में माइनस 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 4 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके एंड 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 8 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज बिहाइंड इट देर इज अ 1 इन देयर डिवाइड। अब अगला जो मैंने एक और एग्जांपल लिखा है 5 1 बाय 9, इट कैन बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर। हाउ? हम इसको कैसे कर सकते हैं, 5 प्लस 1 बाय 9, तो हम इसको ऐसे करके और अपॉन में 1 लेके इसको हम फिर फ्रैक्शन सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन आएगा 46 अपॉन में 9, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसको प्लस करके हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 46 अपॉन 9, इट मीन 46 इज ऑल्सो अ व्हाट, इंटीजर, एंड 9 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके तो दैट्स व्हाई वी कैन से दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अभी हमने एक एक करके सभी नंबर्स के बारे में जाना, अब हम ओनली क्या पढ़ेंगे बच्चों, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके इनकी डेफिनेशंस को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा और इन सभी के डेफिनेशन आपको क्या करनी है बच्चों, लर्न करनी है। ओके अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं, रैशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव, हम ऐसे पॉजिटिव को सिंगल में POSITIVE, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, ये दो टाइप्स के रैशनल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। जब क्या हो, कोई भी रैशनल नंबर, मैंने आपको बताया था ना, वी कैन राइट रैशनल नंबर इन अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, व्हाट, पी अपॉन क्यू। ओके जो भी नंबर क्या हो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में हो उसे हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट रैशनल नंबर। ओके 5 अपॉन 7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो आपको बताना है कि ये किस टाइप का रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर है। यस इट्स अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, व्हाई, बिकॉज अभी हमने क्या करा, डेफिनेशन पढ़ी पॉजिटिव रैशनल नंबर की। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है बच्चों, या तो न्यूमिनेटर, दैट इज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये क्या होने चाहिए, दोनों ही या तो पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों ही या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे और दोनों ही नेगेटिव होंगे तो देन इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगला आता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर ठीक इसके अपोजिट, या तो नेगेटिव या तो न्यूमिनेटर। हमने क्या करा, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक डिजिट क्या होनी चाहिए, दोनों में से इन बोथ वैल्यूज एनी वन वैल्यू शुड बी नेगेटिव, दैट टाइम वी कैन से दैट इज नेगेटिव रैशनल नंबर। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है, वहां से भी देखकर लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ आउट ऑफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वन इज पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर इज नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स कि इन दोनों में से, न्यूमिनेटर में से एंड डिनोमिनेटर में से कोई भी एक वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देता हूँ, आप जब तक इसे क्या करिए अपनी नोटबुक में लिखिए कि इनमें से कौन सी नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है। 5 अपॉन 9, ओके 3 अपॉन 7, माइनस 3 अपॉन 7, 4 अपॉन 9 एंड माइनस 4 अपॉन
माइनस नाइन। आपको क्या करना है, इनके नीचे जल्दी से, इनके नीचे जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको p लिख देना है, p r पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर सॉरी इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, हमें p लिखना है पॉजिटिव रैशनल नंबर, और जो नेगेटिव है उसके नीचे नेगेटिव लिखना है। आपको जल्दी से ये आप करिए, कर लिया सबने बच्चों, है ना, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साइड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट बच्चों, वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने क्या लिया, 2/5, वी हैव टेकन एन एग्जांपल 2/5, 4/10, 8/15, ओके 8/15 and then after, sorry, 6/15 and 8/20. हमने एक example लिया, 2/5 is what? 2/5 is a rational number, 4/10 is also a rational number, 6/15 is also a rational number, 8/20 is also a rational number. हम आज क्या पढ़ रहे हैं? Equivalent. हम क्या करेंगे? हमें देखना है कि ये जो rational numbers है, जो हमने rational number एज एन एग्जाम्पल लिए, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है या नहीं है, हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट और नॉट। हम क्या करते हैं, हम जितने भी रैशनल नंबर्स हमारे पास है, इन सबको हम पहले क्या करते हैं, इनके लोवेस्ट टर्म में रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं, इनको सबको हम लोवेस्ट फॉर्म में ट्रांसफर, लोवेस्ट फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 2/5 इज ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म, व्हाई, बिकॉज ये दोनों नंबर जो न्यूमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर है, ये दोनों के दोनों किसी सेम टेबल से या सेम टेबल में नहीं आते हैं, इट मींस इन दोनों का वन के अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज ऑलरेडी अ लोवेस्ट टर्म। नेक्स्ट वन जो हमारा है 4/10, 4/10 को हमें क्या करना है, लोवेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे जो कि है 2। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, सॉरी 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, एंड 10 के जो होंगे वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बच्चों, 2। हम एक और वे है इसका कि हम चेक करते हैं ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये दोनों जो आते हैं ये 2 के टेबल में आते हैं, तो हम ऐसे भी करके इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट करने के लिए हम इन दोनों टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 4/2 = 2 एंड 10/2 = 5। इट्स मींस कि जो 4/10 को हमने जब रिड्यूस करा तो वो भी कितना आया, 2/5, इट मींस फर्स्ट वाले टर्म के, एंड ऐसे ही जब हम क्या करेंगे 6/15 को लोवेस्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो वो भी क्या आएगा बच्चों, 2/5, एंड 8/20 को रिड्यूस करेंगे, देन इट विल आल्सो कम 2/5। इट मींस इन सब के बिटवीन आप देखोगे क्या है कि जो गैप है वो इक्वल है, क्या है, गैप इक्वल है, और ये जो है रिड्यूस होके भी क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ओके, तो दैट मींस वी कैन से कि ये क्या है, एक एग्जांपल है किसका, इक्विवेलेंट रिएक्शन का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर हम पढ़ेंगे अब, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर का वो हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन देखते हैं, और रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म, ये तीनों ही एक ही चीज होती है, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो, चाहे वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो, चाहे वो लोवेस्ट फॉर्म हो, इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर्स। अभी हमने इक्विवेलेंट वाले में पढ़ा था ना कि उनके क्या नहीं होंगे, कॉमन फैक्टर्स और उससे ज्यादा कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 4/10, ओके,
इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम सिंपलिस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो देन इट विल बी 2/5. 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो HCF होगा, HCF ऑफ 4 एंड 10 इज 2, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एंड आफ्टर द डिवीजन द आंसर विल कम 2/5, एंड देयर इज न्यूमिनेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 5. ओके, हम चेक करेंगे जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों का कोई क्या है, उन दोनों का कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं है. हम चेक करेंगे 2 और 5 किसी भी टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं. तो देखिए आते हैं नहीं, ये दोनों ही टर्म्स किसी भी टेबल में नहीं आते हैं. इट मींस ये जो है 2/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ओके, ये क्या है 2/5 स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, 4/10 का. ओके,